टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट मीन्स अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं इट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर कैसे आया अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैसे है कैसे नहीं है इसको आज हमको अच्छे से समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड The article 13 of the constitution. Article 13. Article 13 of the constitution directly states that any law, okay, here the word law is important. Any law which was made, which is made by state legislature or the parliament, will be null and void if it is inconsistent.

और आपने ऐसा लॉ बना दिया जो उससे हटकर बात बोल रहा है ओके? Okay? Right right हमें जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार है एंड पार्लियामेंट मेक सच लॉ विच हेम्पर द लॉ विच हेम्पर द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो लाइफ एंड लिबर्टी को नुकसान पहुंचाए then it will be declared unconstitutional and null and void by the judiciary it is given in article 13 that any such law which is inconsistent of any fundamental right will be declared unconstitutional or, or uh, null and void it is here where we can find the scope of judicial review the term judicial review cannot be defined in any in anywhere in the constitution But there there are so many articles in which we have, there is a, we have have is find the elements of judicial review. Article 13 is one of them okay article 13 unme se ek उनमें से हमें judicial review का बारे में पता पड़ता है कि कौन इसको unconstitutional कौन isko null and void ठहराएगा वो कौन ठहराएगा judiciary. Okay, but now अब जो प्रॉब्लम हमारे सामने आनी शुरू हुई उसको बहुत ध्यान से समझना ये एक टिपिकल टॉपिक रहता है कि कैसे अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट का कैसे डेवलपमेंट हुआ और फिर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्टर कैसे आया नाइनटीन फिफ्टी वन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसने राइट टू प्रॉपर्टी को कुछ लिमिटेड किया रीजन क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लक्ष्य एक टारगेट था कि वो जो जमींदारी है उसका उसको एबॉलिश करेगा जिससे कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको कुछ उनको जो है लैंड मिल सके तो अगर लोगों के पास में अनलिमिटेड जमीन रखने का राइट हो जाएगा तो फिर लैंडलेस लोगों को कहां से लैंड देंगे इसलिए गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म नहीं किया जो फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी का कुछ लिमिट किया और एक नाइन्थ शेड्यूल बनाई गई उस नाइन्थ शेड्यूल में इस तरह के लॉस को डालना शुरू कर दिया और उस नाइन्थ वो नाइन्थ शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दी गई देर इज नो देर वॉज नो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ नाइन्थ शेड्यूल लिसन केयरफुली राइट नाउ अभी

कि द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट ओके आर्टिकल से पार्लियामेंट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट एंड इफ यू आर लिमिटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी देन इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल थर्टीन दैट इज वाई इट शुड बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वर्ल्ड जो पिटिशनर थे उनका क्या कहना था कि जो आप राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड कर रहे हो ये आ, ये आर्टिकल 13 की फीलिंग के अगेंस्ट में आर्टिकल 13 बोलता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो हमारी किसी फंडामेंटल राइट right को लिमिट करता हो बट यू आर डूइंग सो दैट ज्यूडिशरी को इसको क्या कर देना चाहिए नल एंड वाइट ठहरा देना चाहिए बट इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द वर्ड लॉ मींस ऑर्डिनरी लॉ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ वर्ड given in article 13 the word law which is given in article 13 means only ordinary law not the constitution amendment law that means in the shankari prasad case supreme court of india established that the fundamental rights can be changed or can be amended using the method of the constitution amendment but not by the simple laws बिकॉज द टर्म लॉ मीन्स इन आर्टिकल थर्टीन द टर्म लॉ मीन्स ऑर्डनरी लॉ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट नॉट बाई दूशन गेटिंग माई पॉइंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाइम के साथ साथ नाइन्थ शेड्यूल में कुछ और भी केसेस गए कुछ और भी कानून गए एंड दीज सच लॉज आर चैलेंज इन द जुडिशरी एंड अ फेमस जजमेंट ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केम इन 1967. 1967 में गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब का एक फेमस जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स प्रीवियस डिसीजन ऑफ शंकरी प्रसाद के सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाले केस का अपना प्रीवियस डिसीजन बदल दिया एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश दैट द फंडामेंटल राइट आर इम्यूटेबल फंडामेंटल राइट गिवेन इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्यूटेबल दैट मीन्स कि उनको आप कम नहीं कर सकते इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लॉ से तो कर ही नहीं सकते इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी उसको नहीं कर सकते यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदल दिया इज दैट क्लियर समझ आ रहा है ना भाई इनिशियल बात क्या हुई आर्टिकल थर्टीन से शुरू करना देखो आर्टिकल थर्टीन बोलता है ऐसा कोई कानून ऐसा कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो वो नहीं होगा अगर होगा उससे इनकेंट होगा तो नल एंड वर्ल्ड बता दिया जाए जब राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड करने वाले कुछ कानून आए कुछ लॉस बने तो उन लॉस को इस बेसिस पर चैलेंज किया गया कि आर्टिकल थर्टीन के अगेंस्ट में क्योंकि ये किसको कम कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी को विच इज अ फंडामेंटल राइट ओके और जब ये चैलेंज किया गया तो शंकरी प्रसाद के, के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यह आर्टिकल थर्टीन The law, word law in Article 13 means the ordinary laws, not the constitution amendment laws. That means Article 13 cannot restrict the government to amend the constitution in such a way to change any fundamental right. But in the Golaknath case, Supreme Court reversed its previous decision. Golaknath case means Supreme Court ne apna previous decision badal diya and established that the term law means. both ordinary as well as the constitution amendments अभी government को हो गया आप परेशानी क्योंकि अब तो constitution amendment करके भी आपको fundamental rights को नहीं छेड़ सकते अब government ने 24th constitution amendment 1971 में किया ये तो बड़ा important concept है समझना in 1971, 24th constitution amendment was done, in which amendment in article 13 and amendment in article 368 was done. article 13 and article 368 may amendment kiya gaya. article 13 may amendment kiya gaya. in article 13, it is clearly stated law means ordinary laws. गवर्नमेंट ने कहा कि इसका रिव्यू का स्कोप ही खत्म करते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंड आर्टिकल थर्टीन और नॉट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी आर्टिकल सो पार्लियामेंट अमेंड आर्टिकल थर्टीन एंड मेक अ क्लियर सेंस ऑफ वर्ड लॉ दैट इज द ऑर्डनरी लॉ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ मतलब पार्लियामेंट ने स्पष्ट कर दिया बता दिया कि यहां जो लॉ वर्ड लिखा है उसका मतलब है ordinary laws not the constitution amendment laws it means constitution amendment laws can be can be enacted to limit any fundamental right okay and in article 368 the parliament added that any part of the constitution can be amended using the article 368 even if it is fundamental right यानी कि बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट ने कर दिया कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है जिस पर कंफ्यूजन हो रहा था लॉ नाउ वी आर हम करते हैं कंफ्यूजन दूर आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा हुआ है उसका मतलब है ऑर्डनरी लॉ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ बिकॉज द पार्लियामेंट एज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओके और आर्टिकल 368 को भी क्लियर कर देते हैं कि आर्टिकल 368 मींस इट इज Article which can be used to amend the constitution, and any part including the fundamental rights can be amended using article 368. It is the effect of 24th Amendment 1971. And it is also challenged in the Supreme Court. And on 24th of April 1973, a historical judgment of Keshwan and Bharti case has been come. ओके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कि इससे तो फिर किसी भी फंडामेंटल राइट right को खत्म कर देंगे क्योंकि आर्टिकल थर्टीन की लॉ को मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑर्डनरी लॉ से नहीं कर सकते लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कर सकते और थ्री में क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट आर ऑल्सो पार्ट ऑल्सो इन द दैरिफ्री ऑफ आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट सो उस समय की सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 13 जजेस की उस समय पंद्रह जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट और 13 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी लिसन केयरफुली सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच ने उस समय क्या फैसला दिया ये ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैथडेट मींस कि थर्टीन Article 13 may term law means ordinary law. And in Article 368, the government inserted, the parliament inserted that Article 368 can be used to amend the fundamental rights. It is also constitutional. That means fundamental rights are amendable, provided basic structure of the constitution should not be hampered. Okay. What Supreme Court has said? fundamental rights are amendable as government wants as parliament wants the parliament amendment that means 24th amendment is right no problem in 24th amendment using article 13 the term law has been defined okay using article 368 the constitution amendment can be done in any part of the constitution including the fundamental rights provided बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट भी हेम्पर्ड मतलब संविधान के मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ ना नाउ द क्वेश्चन वेयर इज द बेसिक स्ट्रक्चर है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर टम कहां लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अनरिटन बट इट इज द फीलिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस ट इज द फीलिंग ऑफ आवर फ्रीडम फाइट फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स सेंटेंसेज और पेजेस इट कैन बी एनालाइज्ड इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस केस लेकर आओ अमेंडमेंट करना कर दो वह आपका राइट है केस लेकर आओ अगर हमें किसी ने चैलेंज करके कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है और हमें लगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट का तरीका चेंज करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन दिया किस आधार पर ठहरा दिया किस बेस पर ठहरा दिया बिकॉज इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देर इज नॉट सेट डेफिनेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बट देर आर सम्पल्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर लाइक सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता एक ही मिलेगी स्टेट नहीं दे सकते रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर सेंटर और स्टेट अलग अलग पावर का डिविजन यूनिफॉर्म एंड अडल्ट सफरेज वोट देने का अधिकार यूनिफॉर्मली मिलेगा हा अडल्ट के लिए मिलेगा द एज ऑफ अडल्ट कैन बी डिटरमाइंड बाई द पार्लियमेंट प्रीवियसली इट वॉज ट्वेंटी वन नाउ इट इज एटीन ओके बट द कॉन्सेप्ट ऑफ अडल्ट सफरेज शुड नॉट बी एम पेट ऐसा कोई कानून न बना देना कि केवल प्रॉपर्टी वाला ही वोट दे सकते केवल पुरुष ही वोट दे सकते महिला ही नहीं दे सकते ऐसा मत बना देना इन दिस वे the basic structure doctrine has been established. briefly, article 13, term law, there is a dispute whether they are saying about ordinary laws or constitutional amendment laws. first dispute arises after first amendment. and in the case of shankari prasad, 1951, supreme court held that term law means ordinary laws. Not the constitution laws. That means there is a green signal for the parliament or government to amend the fundamental rights or limit the fundamental rights by constitution amendment. Point is clear? But in 1967 in the case of Golaknath, Supreme Court changed its previous decision and said fundamental rights are immutable. They cannot be amended even by a constitution amendment law. Naikar sakte. Constitution amendment se

Everyone knows article 368 is about the constitution amendment. Article 368 is the article by which the parliament can amend the constitution. And in the article 368, it has been written by 24th Amendment 1971 that every part of the constitution can be amended by using Article 368. This was again challenged in the Supreme Court. In Keshwan and Bharti case, 24th of April 1973. Supreme Court gave the basic structure doctrine. What Supreme Court said? Article 24, 24th Amendment is valid. No problem in it. Means parliament can amend the fundamental rights using the constitution amendment procedure. But it should not be ham tempered, hampered the basic structure of the constitution. It is the judicial innovation. What is the basic structure? Judicial innovation there is no set definition of basic structure. but supreme court will elaborate basic structure case by case. there are some examples. single citizenship, written constitution, federal structure, adult and uniform suffrage. it is an unended, uh, independence independency of judiciary. judicial appointment commission unconstitutional. it is against the concept of इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशल पॉइंट इज क्लियर और नॉट ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में